बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ फियाज अंसारी। दोस्तों आज एक और ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आया हूँ, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार और बन भी सिर्फ मिनटों में ही जाती है। तो दोस्तों इसके लिए हमने लिए हैं ब्रेड के 4 स्लाइसेस और इनको हमने काट लेना है। इनका जो दरमियान वाला हिस्सा है वो हम बाहर निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो ये देखिए इस तरह से निकाल लेंगे। तो हमने 4 ब्रेड को इस्तेमाल करना है इस रेसिपी के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो यह हमने लिया एक बॉल और इसके अंदर ऐड करेंगे हम 2 अंडे और इसके बाद हमने इसके अंदर ऐड करना है 1 टेबलस्पून गाजर, 1 टेबलस्पून यानी कि 2 छोटे साइज़ की सब्ज़ मिर्चें, 1 टेबलस्पून शिमला मिर्च, ये सारी सब्ज़ी हमने चॉप की हुई हैं, और 1 टेबलस्पून ही डाल लेंगे इसमें हम अनियन यानी कि प्याज, और 1 टेबलस्पून डाल लेंगे इसमें हम सब्ज़ धनिया, 1/2 टीस्पून डालेंगे इसमें हम कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून डालेंगे इसमें हम नमक, हस्बे ज़ायका आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और 1/4 टीस्पून यानी कि 2 चुटकी के करीब डालेंगे इसमें हल्दी। और अब हम इसको मिक्स करेंगे और इसमें अभी एक और चीज़ भी ऐड करनी है। चैनल पर नहीं है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को भी लाजमी लाइक कीजिएगा। तो यहाँ हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून मिल्क और अब हम इसको मिक्स कर देंगे। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मिक्स हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो यहाँ हमने लिया पैन जिसके अंदर हमने 2 टेबलस्पून डाला है ऑयल, आप चाहे तो बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके अंदर हमने जो रिंग्स थे ब्रेड के वो इसके अंदर रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इनके अंदर हमने ऐड कर देना है अंडे वाले बैटर को और इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए इस तरह पकड़े देना है। फ्लेम जो है वो लो है और अब हम इसके ऊपर चीज़ ऐड कर देंगे, मोज़रेला या चैटर जो भी आपके पास अवेलेबल हो, और इसके ऊपर ब्रेड रख देंगे यानी कि दरमियान वाला जो हिस्सा था ब्रेड का वो इसके ऊपर रख देंगे इस तरह से। और यहाँ हम इसको दबाएंगे ऊपर से और यहाँ हमने तकरीबन इसको टोटल यहाँ पर 2 मिनट के लिए हमने पका लिया है और अब हम इसको पलट देंगे और इस तरफ से भी हमने इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए पका लेना है। दोस्तों ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा बच्चे और बड़े पसंद करते हैं, आप इसको ज़रूर बनाइएगा। ये बहुत ही हेल्दी है, सभी चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, स्पेशल सब्ज़ी में यूज़ करते हैं वो बहुत ही अच्छी होती है ब्रेकफास्ट में। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुकी है, अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, करीब से दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छी और यूनिक लुक है इसकी। तो ये देखिए प्लेट में भी कितनी खूबसूरत लग रही है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई भी कमेंट करना हो तो आप कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको इसका जवाब ज़रूर मिलेगा। तो अब दीजिए फियाज अंसारी को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।